क्योंकि हमारे इलाके में ना ये बड़ी रस्म आम हो चुकी है कि जो मातम करता है या जंजीर जनी करता है लोग उसको शाजी बोलते हैं, लेकिन उस बेगैरत में ये गैरत होनी चाहिए कि जिसको वो शाजी बोल रहे हैं वो बताए कि जी मैं शाह नहीं हूं। ये जरूरी है। देखें मैं तर्जुमानी करता हूं यहां पे सादात की, हम सैयद सखी शाह मुजम्मल बादशाह की औलाद से हैं, शजरा नसब है हमारे पास, और हम तमाम जितने यहां पे सादात बस रहे हैं औलादे सखी शाह मुजम्मल हैं। हमारी यहां पे आबादी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर कोई पंजाबी चाखा कि अगर असा नहीं पग उते हाथ रखसी तो फिर लत्तां ते मैं उसा मारसा। एक मिसाल आपको सुना दूं, पहले जो हैं वो बने हुए हैं वो सुन लें। जिस दिहाड़े पुत्रो मने सामने आख्या ने ना मैं तुसा रोड ते ठुडे मारसा, आप यकीन करें इतना अफसोस होता है मुझे। चंद दिन पहले मैं यहां से गुजर रहा, किसी ने आवाज दी शाह जी, मैं पीछे मुड़ के तकिया दे, ओ आना शाह जी तुसा नहीं बुलाया, वो नाल एक और लड़का सी, वो गैर सादात सी, मैं इसा बुलाया, मैं कोई यार ते सैयद ही नहीं, अखे जी तुसा नाल नाल के मातम ते करने ना, तुम बगैर तो अगर मैं कहता हूं 50 साल तुम नमाजे पढ़ो तुम नस्बत नहीं हासिल कर सकते, हुरमत सादात हमारे सामने पामाल करते हो तुम लोग, और यहां के अहले इलाका भी सुन लें, यह जरूरी है बात हुरमत सादात की पामाली जो करते हैं। आज के बाद अगर किसी गैर सैयद के मुंह से मैंने सुना कि उसको शाहजी बोल रहे हैं, मैं पूरी सादात बरादरी के सामने कह रहा हूं मैं उनके मुखालिफ हो जाऊंगा, चाहे हमारा 35-40 साल का आपस में रिश्ता है। वो लोग सादात की हुरमत को पामाल करते हैं, मैं कल भी उनका दुश्मन था, आज भी और इंशाल्लाह रहूंगा, क्यों, जो हमारी पग पे हाथ डालेगा हम उसकी उंगलियां तोड़ के रख देंगे। अरे सैयद राजी हो इस गाल से, हाथ बुलंद करके जवाब दे, सारे राजी हो।